फेसबुक पर आने वाला गंदा वीडियो को कैसे आप बंद करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप वीडियो भी यहाँ पे देखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपके जो यहाँ पे वीडियो फीड होता है उसमें गंदा वाला वीडियो आ जाता है। ऐसे में आपके घर में अगर बच्चे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको ये पता नहीं है तो आप कैसे इसे बंद करेंगे? बहुत ही आसान है, सबसे आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप जब वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे वीडियो बार पे क्लिक करके वीडियो वगैरह यहाँ से आप देखते हैं, तो यहाँ पे ही आपको वो गंदा वीडियो देखने को मिलता है। और जब हिस्ट्री भी आप क्लिक करते हैं तो वो हिस्ट्री में भी रह जाता है। मतलब फेसबुक समझता है कि आप इस तरीके के वीडियो देखने के लिए मतलब सर्च करते हैं, तो आपको उसी तरीके का वीडियो सजेस्ट करेगा। तो इसे हम बंद भी करेंगे और कैसे इससे आप बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान सा सेटिंग है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें, ताकि सेटिंग्स की कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना फेसबुक को यहाँ पर ओपन कर लिया। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर मेरा जो सेटिंग का ऑप्शन है इसमें हमें क्लिक करेंगे। ये अपडेट जो भी यहाँ पे बार है नीचे आया, आपके ऊपर भी हो सकता है, तो यहाँ पे थ्री डॉट आपको मिलता है, तो थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे, आपके ऊपर भी मिल सकता है। तो उसमें क्लिक करने के बाद सेटिंग का ऑप्शन है ऊपर, इस सेटिंग के ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर आपका सेटिंग का जो पूरा बार आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ आपको करना है, आपका जो फीड है मतलब जो वीडियो बार आपने दिखाया था ना, वो वीडियो बार, जैसे कि ये वाला वीडियो बार मैं आपको फिर से एक बार बैक करके दिखा देता हूँ। ये जो बार है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बार ऊपर रहता है, किसी का नीचे भी रहता है, ठीक है। इस बार को हम यहाँ पे हटाएंगे, ये जो वीडियो वाला बार हो रहा ना, इसको हम हटाएंगे। मान लीजिए आपके घर में फ़ोन है, बच्चे भी हैं तो उसे देखते हैं, तो आप इसको हटा दीजिए और जब ज़रूरत पड़ता है तो आप उसे ऑन कर दीजिए। सेटिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं, तो वही सेटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग पर मैंने क्लिक किया, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है नीचे की तरफ और आपको यहाँ पर नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये पिन जो यहाँ पे मार्क है, तो इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप करने का आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा हो रहा है कस्टमाइज द बार, और नीचे देख सकते हैं मैनेज नोटिफिकेशन बार। तो हमें कस्टमाइज द बार ऊपर अब से यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने का तो देख सकते हैं पूरा का पूरा जो शॉर्टकट है वो सभी यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन, ग्रुप का ऑप्शन, यहाँ पर मार्केट प्लेस का ऑप्शन, प्रोफाइल और वीडियो। तो हमें इसको ही हटाना है। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटो लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम टैप कर लेंगे। इसके ऊपर जैसे टैप करेंगे देखिए पिन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पिन करके रख सकते हैं। इसके अलावा इसको ऑटो पे रख सकते, जो मेरा ऑटो है, और इसको हाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड का ऑप्शन, तो हम इसको हाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसके ऊपर टैप कर देंगे। इसको जैसे आप टैप करेंगे देख सकते हैं वीडियो हाइड हो गया है, तो यहाँ पर वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको बाद में यहाँ पर इसको ला सकते हैं, तो मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो वीडियो फीड था वो यहाँ पे हाइड हो गया क्या नहीं। अभी तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है, पर अब अगर क्लोज़ करके फिर से ओपन करेंगे तो देखेंगे ये जो वीडियो वार है ये आपका नहीं होगा। तो मैं एक बार इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो अभी मैंने क्लोज़ किया और दोबारा इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। दोबारा ओपन जैसे आप करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते नीचे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपने देख लिया, यहाँ से आप वीडियो फीड को हटा सकते हैं, उसको ला भी सकते हैं। यहाँ पे फिर से वही सेटिंग आपको करना है, उसी सेटिंग में आपको जाना है और वही आपको करना है नेविगेशन बार, उसके बाद कस्टमाइज द बार, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं हाइट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हिडन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऑटो पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ऑटो पे क्लिक कर देंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया, इसको आप हाइड कर सकते हैं। और अभी क्या करेंगे, अभी जो आपने देखे हैं वीडियो, ठीक है, जो वीडियो आपने देखे हैं उसको आप कैसे यहाँ पे मार्क करेंगे, मतलब उसको कैसे आप हटाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने सेटिंग के ऑप्शन में ही आना है। सेटिंग के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है, और नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिव लॉग मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी लॉग, इसके ऊपर टैप करेंगे। इसके ऊपर टैप करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर सब कुछ हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिस्ट्री में आपको क्या करना है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड करना है, इसको स्लाइड करेंगे तो देख सकते हो वीडियो सर्चेस, वीडियो वॉच्ड। तो वीडियो जो वॉच किया मैंने, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए देख सकते हो सभी वीडियो यहाँ पे आ गया है, कौन से वीडियो आपने देखे हैं, इसको हम हटाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो गंदा वाला वीडियो आपने देखे हैं मतलब आपके तो फीड में आ गया है, तो आप उसको वॉच कर लिए,
तो वो यहाँ पे रहता है तो प्रॉब्लम होता है, मतलब वो फेसबुक क्या समझता है कि आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है, फील कर रहे हैं, तो आपको उसी तरीके का वीडियो सजेस्ट करेगा। तो यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, पूरा का पूरा क्लियर यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं क्लियर वीडियो वॉच हिस्ट्री। तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम टोटली क्लियर कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा है क्लियरिंग वीडियो वॉच हिस्ट्री, मतलब ये स्टार्टेड हो गया है। तो थोड़े से बाद, थोड़े टाइम के बाद ये पूरा का पूरा यहाँ से हट जाएगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर रिफ्रेश कर दिया मैंने और ये पूरा का पूरा हिस्ट्री यहाँ से हट गया है। तो आप इस दो तरीके से आप जो गंदा वीडियो आता है फेसबुक में, इसे आप बंद कर सकते हैं। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग।